सवाल ये उठता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इतने ग्रीडी क्यों हो रहे हैं। इतने ग्रीडी इसलिए हो रहे हैं, मेन बात क्या हो रहा है कि जो सर्वे आया है ना एज प्रोफाइल का, देखो मैं तो अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये बात बताता हूँ कि एज वाइज प्रोफाइल से आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सेबी और एमएफआई, देखिए वही चीज जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, वही प्लान ऑफ एक्शन वहां पर भी चल रहा है, जो वहां पे थिंक टैंक आपके बैठे हुए हैं। इस बात को मेरे नोट करिएगा और मेरे वीडियोज को जो आप लोग देख रहे हैं उसमें देखिएगा, मैं इन्हीं चीजों पर आप लोगों को आगाह कर रहा था। क्योंकि अगर आप सही तरीके में, अगर मैं आपका भला चाहूंगा ना, तो मुझे वही बात समझ में आएगी, वही मेरी सोच में आएगी जो कि आपके लिए होना चाहिए। और मैं काफी दिनों से रिटेल इन्वेस्टर्स की सुरक्षा को लेकर के चिंतित था, और वो सेम प्लान ऑफ एक्शन किसका, सेबी और एमएफआई का सामने आ रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक्शन प्लान में आ रहा है, एक्शन प्लान में आ रहा है। मीन्स अब हम इस चीज को चर्चा में शामिल करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको सुनने में समझने में आनंद जरूर आएगा। अगर आनंद आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। आज का जो सब्जेक्ट है, डज इट टाइम टू एग्जिस्ट फ्रॉम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, क्या यह समय है कि हम स्मॉल कैप और मिड कैप से निकल जाएं? आज हम इस पर चर्चा करेंगे, आखिर में ये इतना ज्वलंत मुद्दा क्यों हुआ है। दूसरा, इसके कुछ डाटाज भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तीसरा, चार बातें आपको बताऊंगा जो कि आप गांठ बांध लीजिएगा। अगर आप मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उन चार बातों को अमल जरूर कीजिएगा जो कि मैं अंत में आपको चार टिप्स दूंगा कि उन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जो कि इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सेबी और एमएफआई बिल्कुल सीरियस हैं नंबर वन पे, और ये चाह रही हैं कि आप, देखो आप बिल्कुल अननोन हो, मार्केट के बारे में आप नहीं जानते हो, आप कोविड के बाद में आपको हर चीज क्या है कि आपको एक क्लिक पर अवेलेबल हो रही है। उस क्लिक पर जाने के बाद में आप क्या कर रहे हो, आप जो सबसे बड़ी चीज कर रहे हो कि आप पास्ट का रिटर्न देख करके उसके बाद में फ्यूचर के जो उसके कॉम्प्लिकेशंस आने हैं, उसके जो रिजल्ट्स आने हैं, उसके जो आपको वो आने हैं जो आपको झेलने हैं, आपको फेस करने हैं, उस चीज से आप अनजान हो। और एक समझदार आदमी जिसने उन चीजों को झेला हुआ है, जैसे मैं हूं, तो मैं आपको उन चीजों के बारे में जरूर सोच करके बताने की कोशिश करता हूं। बात मेरी आप समझ रहे हैं? तो ये चिंता का सबब है किसका, सेबी का और आपकी एमएफआई का। सेबी और एमएफआई के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सेबी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, एमएफआई आपकी सारे के सारे एएमसी जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जहां पे आप पैसा किसी भी माध्यम से डालते हो, चाहे वो बैंक के थ्रू डालते हो, चाहे ब्रोकर के थ्रू डालते हो, चाहे किसी ऐप के थ्रू डालते हो, चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, वो कहाँ पे जाता है, एएमसी में जाता है। और वो एएमसी आपकी एक ट्रस्ट होती है, उस ट्रस्ट की एसोसिएशन है एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर रिटर्न ज्यादा बना है और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसमें एक्सपोजर लिया है, तो भाई प्रॉब्लम क्या है, आप बताइए प्रॉब्लम क्या है। एक्सपोजर लिया है, अगला रिस्क लेने के लिए तैयार है, फिर आपको दिक्कत कहाँ आ रही, मेरे को दिक्कत कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही है मेरे को दिक्कत, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, आपने लिया, एक्सपोजर लिया है, होनी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि होना नहीं चाहिए, क्यों, यही बोलेंगे ना आप लोग, बट नहीं। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, टोटल एयूएम कितना है, 50 लाख करोड़ का आज की डेट में पूरे एएमसीज का एयूएम है, जिसमें से अगर मिड कैप का एलोकेशन आप देखोगे तो 2.5 लाख करोड़ है और स्मॉल कैप का एलोकेशन कितना है, 3 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ये आप ये देख लीजिए कि इतना असेट आपका किसमें है, ये मिड कैप और स्मॉल कैप का है, जबकि इनकी वैल्यूएशन अगर बाकी कंपनीज के मुकाबले देखो तो इनकी वैल्यूएशन बहुत ही लेस है। वैल्यूएशन मीन्स, नहीं समझे, बिल्कुल मैं, जैसे ये मान लीजिए एक मार्कर है, अब ये मार्कर अगर ये ब्लू चिप कंपनियों का, लार्ज कैप कंपनियों का है, तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो बनाने वाली फैक्ट्री है ना, उसकी वैल्यू कितनी जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है। बट स्मॉल कैप की जो वैल्यू है वो बहुत ही लेस जा रही है, लेकिन उसका भाव लोगों ने क्या किया है, बढ़ा दिया है।
समझ गए। अब जैसे आप ये मान लो, मैं आपको इन द सेंस ये समझाता हूं, जैसे 24 कैरेट का गोल्ड है। अब ब्लू चिप कंपनियों को मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ब्लू चिप कंपनियों का जो वैल्यू है वो 24 कैरेट की है, और जो ये है स्मॉल कैप ये है, इनको आप 8 कैरेट मान लो, 7 कैरेट मान लो, 4 कैरेट मान लो, 5 कैरेट मान लो। लेकिन क्या है, अब लोगों को ये दिखाई दिया कि जेवर जो इसमें मिक्स्ड है उससे जेवर बनेगा, तो जेवर बनेगा तो उन्होंने क्या किया, पैसा कहां लगा दिया, यहां पे लगा दिया, जबकि उस सोने की वैल्यू किसकी ज्यादा है, 24 कैरेट वाले की है। तो आप बात को समझने की कोशिश करो, उसको मैं इन द सेंस आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई वैल्यूएशन प्रॉब्लम यह आ रही है कि वैल्यूएशन जो है ना वो थोड़ी सी हाई हो रही है, थोड़ी सी क्या, काफी हाई हो रही है। समझदार आदमी उस चीज को लेकर के चिंता जरूर करेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भोले भाले हैं, वो अनजान है, वो सिर्फ पास्ट रिटर्न को दे करके उसके बाद में चल रहे। प्लान ऑफ एक्शन भी आपको बताया जाएगा, इसलिए आप इतना ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अभी आप प्लान ऑफ एक्शन पे जाने से पहले चिंता का सबब क्या है वो आपको देखता हूं। देखो दोस्त, आपकी जो निफ्टी 50 है ना, आपको पता है इंडिया की 50 कंपनियां, जैसा कि आप जानते हैं कि केवल 3% लोगों के पास इंडिया का पूरा पैसा है, बाकी लोगों के पास क्या है, उनकी मेहनत है, उनकी जिंदगी है, उनकी अपनी कमाई है, मेहनत कस वही है, लेकिन वैल्यू देखा जाए तो उन्हीं लोगों के पास है। उसी प्रकार से निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन है ना, जो आप इसको ट्रेलिंग रिटर्न बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, निफ्टी 50 का आज के टाइम पर 22 रुपये है। ठीक है, 22 रुपये आप लगाते हैं तो आप 1 रुपये अर्न करेंगे। वहीं पर आप मिड कैप की आपकी कितनी है, 27 रुपये है। वहीं पर आप अगर स्मॉल कैप में जाते हैं, आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितनी है, 29 रुपये है। वहीं पर आप माइक्रो कैप कंपनीज में जाते हैं, जिसको मैं MSME बोलता हूं, वो जो जाएंगे आप, मैं क्या बोलता हूं, सारे बोलते हैं, वहां पर आपकी 29 रुपये है। बात मेरी समझ रहे हैं? तो अब ये हो रहा है कि आप खुद ही देख लीजिए कि इसकी वैल्यूएशन क्या हो रही है, स्मॉल कैप की इस समय ज्यादा हो रही है। ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि इस समय आप देखिएगा कि मैंने आपको, शायद आपको याद होगा, एक दिन बताया भी था, हो सकता है आपने उसे ना देखा हो, आज के टाइम पर जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, वो सेफ गेम खेल रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल हाई तरीके से रिस्क ले रहा है। क्यों रिस्क ले रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोविड के टाइम पर आपको पता है कि 41-42 हज़ार के आसपास मार्केट थी, 28-29 हज़ार पे आ गई थी, तकरीबन ये 30-40% के आसपास ये गिर गई थी। वहीं पर ही आपकी, अब आप उसकी वैल्यूशन जो निकाल लीजिएगा, 25% 30% के आसपास गिरी थी। अब वहीं पर कोविड के टाइम पर जो आपके स्मॉल कैप है, बेंचमार्क इसका कितना गिरा था, 45% आपका गिर गया था, मतलब 50% में थोड़ा सा ही डाउट रह गया था। अब आप खुद सोचिए कि सेबी और MFI इसीलिए चिंतित हैं कि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर ये देखेगा, आज के टाइम पर तो उसको अच्छा लग रहा है, वो सब कुछ उसको अच्छा अच्छा दिख रहा है, हाँ यार मेरे को मिल रहा है, लेकिन अगर इस टाइप की सीनरियो आ गई, हालांकि रिसेंट उसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन सपोज करो कि अगर गिरावट होगी तो सबसे ज्यादा गिरावट किसमें होगी, स्मॉल कैप में, मिड कैप में होगी। उस समय आप औने पौने दाम पर बेचना शुरू कर दोगे। क्यों? जब आप देखोगे कि यार मेरा तो 10,000 रुपया था, 5,000 रह गया, मेरा तो 10,000 रुपया था, 5,500 रह गया, मेरा तो 10,000 रुपया था, वो 6,000 रुपया रह गया, उस समय आपके लिए उस चीज को झेल पाना, मेरे ख्याल से यार MFI और सेबी के ख्याल से ये बात हजम नहीं हो रही है। क्यों? क्या उस प्लान के लिए और उस समय अगर हाथ खड़ा कर देगी AMC कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे ख्याल से हाहाकार मच जाएगा। यह है सबसे बड़े चिंता का कारण। ठीक है ना? अब आपको यह किया जाए कि भाई देखो, अब आप बोलोगे क्या इन्वेस्ट करना ही छोड़ दें, सवाल वाजिब सा सवाल है, आप पूछोगे इन्वेस्ट करना छोड़ दें, कल ही आप कमेंट करोगे, जैसे हमारे सेंट पॉल जी हैं और भी लोग हैं, वो तुरंत बोल देते हैं सर मैं क्या करूं, सेंट पॉल तो मेरे इतने जो भोले भाले व्यूअर हैं, वो हर वीडियो पर पक्का अपना कमेंट डाल देते हैं पॉल जी। तो अभी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अगर इसको आप
थोड़ा सा एनालिसिस करें। एनालिसिस मीन्स आप, ये उनके लिए तो सही है, मैं चार बातें आपको बता रहा हूं, सबसे पहले उसको बता करके फिर उसके बाद मैं कंक्लूड करता हूं। सबसे पहला आपका रिस्क प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है और ये चार चीजें मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, आप इसको गांठ बांध दीजिएगा, रिस्क प्रोफाइल अपना पक्का चेक करिएगा। अगर आप खुद नहीं चेक कर सकते हो तो किसी ना किसी साइट पर आप जो है चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल अगर आप अपना जान रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अभी संडे को एक क्यूरी में कवर करूंगा, मेरे एक मित्र हैं, मुझे टाइम लगेगा, काफी ज्यादा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो उनका मैं कवर करूंगा और उनकी 28 इयर्स एज है, उन्नाव के हैं वो, और उनका उनका रिस्क प्रोफाइल मेरे को उनकी जो समझ में आ रही है। लेकिन अभी क्या है, अपना रिस्क प्रोफाइल पक्का चेक करिए, अगर खुद को एनालिसिस कीजिएगा आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या आप इसको झेल सकते हैं कोविड के टाइम वाला, ये आप पक्का नोट करिएगा। अगला आपका है टाइम। टाइम अगर आपके पास 10 साल से अबव का है तो स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करने में मेरे हिसाब से कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन आप उस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि आपका 40 पैसा गिरे, एक रुपए में से 40 पैसा गिरे, चाहे आपका 50 पैसा गिरे, मैं उस समय हिलूंगा नहीं, डटूंगा नहीं, और जितना मेरे को मौका मिलेगा मैं भर भर के डालूंगा उसको, भर भर के डालूंगा। नहीं डाल पाऊंगा तो मैं इंतजार करूंगा। क्या करोगे? इंतजार करोगे, एक गाना भी है ना कोई, वो इतने दिनों तक इंतजार करूंगा मैं, ठीक है ना। तो अगर आपका ऐसा है तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपका एज भी तो सही सलामत होनी चाहिए, 25 to 35 में मान लिया यार, मैं 25 साल से नीचे के बच्चे को नहीं मानता हूँ कि हाँ वो इन्वेस्टमेंट के उसमें होगा, क्योंकि उसकी जो अपना पढ़ाई लिखाई को होती है, बट 25 to 35 तक डू एग्री, यस यू कैन सर्वाइव, यू कैन टेक द रिस्क, अगर आपको एडिक्वेट नॉलेज है, जो कहीं टास्क को आप देख रहे हैं, तो इतना तो मैं मोटिवेट आपको करता ही रहूंगा कि आप भागो मत। अगर आप मेरी सारी चीजों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर होंगे, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन जबकि मैं कम से कम रिस्क लेकर के चलता था। रिस्क लेना शुरू किया मैंने कब से, ये मान करके चलो कि आप 2014 से मैंने रिस्क लेना शुरू किया है, जो मुझे 2008 का झटका लगा था ना, 2008 का जो मुझे झटका लगा था, उसके बाद में फिर मैं संभलते संभलते मुझे 2012 आ गया था, 4 साल से ज्यादा लग गया था, 2004 से लेकर के 2014 तक मैंने इंतजार किया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में तब जा करके मैंने, जब मेरी काफी सारी हर चीजें जो मैंने मैनेज कर लिया, एज वाइज मैंने कर लिया, रिस्क वाइज मैंने कर लिया, फिर उसके बाद में मेरा इतना पोर्शन डेप्ट में होना चाहिए, इतना मेरा खर्चे में होना चाहिए, इतना मेरा इसमें होना चाहिए, आप देखेंगे मेरे पास 2 डायरियां पूरी भरी पड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से, ठीक है ना। इसमें कोई भी पेज आपको खाली नहीं मिलेगा, कोई भी पेज आपको खाली नहीं मिलेगा, ये देखिए पूरा भरा हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिप लगा करके ये देखिए पूरा भरा हुआ, सब प्लान से 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 भरा हुआ, देखिए। तो जब आप अपने आप को रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, खुद से सोचो, खुद से करो, जितना आपको मेरे से समझ में आता है, समझने के बाद में अपने आप को आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो, बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेटर। रिस्क प्रोफाइल का मेरा मतलब है कि आप अपने रिस्क को करो और आप, क्या मैं उतना टाइम दे पाऊंगा, क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा, ये चीज आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, जो आपको चार बातें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सोच समझ के बाद में, क्योंकि एमएफआई और सेबी जो इन चीजों को कर रही है, डिजास्टर का कल मैंने आपको, आज रात में मतलब जो है रात में हो गया होगा, पब्लिश हो गया होगा, कल ये आपको मिलेगा, सवेरे मिलेगा ये वीडियो, तो उसमें भी मैंने अपने जो है पिछले वीडियो में बताया हुआ, आपको तसल्ली से बताया हुआ है कि जो है डिजास्टर के लिए, मतलब आज की डेट में वो चल रही है, मार्केट चल रही है, स्पेशली जो है चल रही है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो कई सारी चीजें हैं जो कि लोग सोच रहे हैं, जो जानकार हैं वो सोच रहे हैं, वो उन चीजों को सोच रहे हैं जो आपके दिमाग में हलचल मचाएगी, जो आपके दिलो दिमाग पर आपको प्रभावित करेगी। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए कि जो घुड़की धमकी चलती थी ना किसकी, FIIs की, वो आपकी बदौलत और रिटेल इन्वेस्टर्स की बदौलत,
वो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन इन्फ्लुएंसर्स का जो कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। बट थोड़ा सा उस मोटिवेशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सब जवाब थोड़े से ज्यादा दिख जा रहे हैं, एडवर्टाइज ज्यादा हो जा रही है। मेरी बात को समझने की अगर आप जो समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगला, उसके बाद में एसेट एलोकेशन। देखो भाई, तीसरी चीज आपका असेट एलोकेशन बहुत ही जरूरी है। क्यों? असेट एलोकेशन को इन द सेंस आप समझिए मेरी बात, अगर परमात्मा ने चाहा तो मैं संडे को जो एक क्यूरी मैं कवर करूंगा, बड़ी अच्छी क्यूरी आई है, बट मुझे जो समय भाव के कारण मैं कल उसको स्टडी करके उसके बाद में जो कवर करने कोशिश करूंगा उसमें आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। असेट एलोकेशन यार देखो, कई सारी चीजें हैं। देखो हमारे यहाँ पर इंडिया में तीन चीजें मेन असेट मानी जाती है, नंबर वन प्रॉपर्टी, नंबर टू में गोल्ड, और नंबर थ्री में आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट उसमें आपका डेप्ट भी आ गया, डेप्ट में मतलब फिक्स डिपोजिट आ गया, या आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड लिया है, या आपने कोई ऐसे मतलब जो है लिए हैं, तो वो चीजें हो गई, और उसके बाद में आपका आजकल इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ये तीन मेन चीजें मानी जाती हैं। अब इसको एज प्रोफाइल के वाइज मैंने एक फार्मूला बता करके आप लोगों को बताया भी हुआ है, स्टडी करके उसको बताया भी हुआ है, तो अभी उसको भी आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका असेट एलोकेशन क्या है, सही जगह पर जा रहा है। क्योंकि हर असेट की हर जगह पर वैल्यू होती है, ये आप मान करके चलिए। जैसे रहीमदास जी का है कि ये कबीरदास जी का, मैं दोनों में से कंफ्यूज हूं, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। अगर जहां पे सुई का काम है वहां पे आप तलवार से काम नहीं ले सकते हो। बात को समझो तो आप उस असेट को अपने एलोकेट करने की कोशिश करो, आप अपनी जरूरतों को सबसे बेटर जानते हो, ये बात आप समझिएगा। ये मैंने आपको कौन सी बात बता दी, तीसरी बात बता दी। चौथी बात आपकी क्या है, मार्केट कैप का एलोकेशन। मार्केट कैप का एलोकेशन अगर आप 25 से 35 तक हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप पूरे पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस को लिए हुए हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने 35 क्रॉस कर दिया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, आप एंटी एजिंग आपकी शुरू हो गई है, 35 के हो, 40 के हो, 45 के हो, 50 के हो, 55 के हो, 65, 70 एवं मान लीजिए, अगर आप वहां पर हो तो आप मार्केट कैप के वाइज अपना एलोकेशन पक्का करना मेरे भाई, ये आप मान लो, मार्केट कैप के वाइज ही एलोकेशन करना। मार्केट कैप मीन्स वही जो तीन कैप है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये इस टाइप से आप उसको एलोकेट करना, प्लस अपने एसेट को एलोकेट करना। टाइम अगर आपके पास 10 साल से कम का है तो इक्विटी को अवॉइड करो, 10 साल से लगभग है तो आप गिरावट के लिए तैयार हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट में कोई भी बुराई नहीं है। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा एसेट एलोकेशन आपके लिए जरूरी है, मार्केट कैप का एलोकेशन आपके लिए जरूरी है। इक्विटी क्या है, रिस्की सौदा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये बात मुझे बार बार आपको बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे ही नहीं है, मुझे इसलिए है क्योंकि आप मेरे व्यूअर हैं, मुझे इसलिए है आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे इसलिए है आप मेरे फॉलोअर हैं। मैं ही नहीं, मैं ही क्यों कर रहा हूं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेबी और AMFI भी आपकी चिंता कर रही हैं। तो ये बताना आपको बहुत जरूरी था। सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू। अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना यार, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।